तो आइए देख लेते हैं गाड़ी में दो चीज़ें पर्टिकुलर नहीं है 2021 मॉडल में। एक तो सामने वाली जो ग्रिल आपको दिख रही है वो नहीं है, उसके अंदर आपको एक बड़ी सी क्रोम की स्लिट मिलेगी, और जो सामने ग्रिल दिख रही है वो कास्केड ग्रिल, जैसे वो डायमंड पैटर्न वाली जो ग्रिल होती है उस तरीके से ग्रिल आपको देखने को मिलती है। ZXI ऑप्शनल में भी आपको सेम ही मिलेगा, उसमें कोई क्रोम या ऐसा कुछ है नहीं है। दूसरी चीज़ है इसका इंजन, और दूसरा चेंजेस है इसमें जो इंजन है थोड़ा ज़्यादा रिफाइन है, डुअल VVT इंजन मिलता है आपको। और एक जो चीज़ है इसमें जो इंजन कवरिंग है, जो नीचे से आपको इंजन प्रोटेक्शन है, जो बॉटम में आप देख सकते हो वो एल्यूमिनियम प्लेट जैसा जो आपको दिख रहा है, वो पूरे इंजन के नीचे थोड़ा सा जो कवरिंग दिया गया है उससे नीचे से जो कंकर वगैरह या फिर जो इंजन का प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ाता है। तो ये दो चीज़ें आपको 2021 मॉडल में थोड़ा सा अलग मिलती है। बाकी हेडलाइट्स वगैरह में आप देख सकते हैं नॉर्मली आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, टर्न इंडिकेटर में भी आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलेगा। हाउसिंग आप देख सकते हैं फॉग लैंप का जो हाउसिंग वगैरह वो पूरा ब्लैक रहने वाला है, इसमें कोई भी सिल्वर लाइनिंग वगैरह भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वो अलग से एक्सेसरीज डाली गई है, इसमें 15,000 का एक्सेसरीज उनको अलग से ऑफर किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं डोर स्किड प्लेट्स हैं नीचे वाली, ये वाले जो डोर प्रोटेक्टर्स हैं वो, रेन वाइजर्स हैं, पीछे का स्पॉइलर है जो गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देता है, आप देख सकते हो 6 से 7 इंच वो बाहर आता है, टर्न इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स के ऊपर के जो ब्लैक रिम्स लगाए हुए हैं जिससे गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टीनेस लुक मिलता है वो, अगेन पीछे के बम्पर गार्ड्स, सिल्वर लाइनिंग बूट्स डोर के ऊपर, और नीचे जो ये कैमरा लगाया हुआ है वो भी एक ऑप्शनल है, एक्सेसरीज के तौर पर ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। बाकी गाड़ी हूबहू है, इसमें 2020 और 2021 के दोनों के भीतर कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है। टायर साइज अगर आपको बता दूँ तो अपोलो का टायर यूज़ किया गया है, 185/65R 15 इंच का रिम्स है, एल्यूमिनियम फिनिश आपको मिलेगा। इसमें जो 14 इंच का आपको एक व्हील मिलेगा वो होगा आपका स्पेयर व्हील। टेल लाइट इसकी आपको ऑल LED जैसा लगेगा क्लस्टर पूरा, लेकिन ब्रेक लाइट्स आपको LED में मिलेगी, टर्न इंडिकेटर जो है वो हेलोजन बल्ब मिलेगा, और रिवर्स लाइट है वो भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। ये जो NRL है नाइट टाइम रनिंग लैम्प वो भी आपको LED में मिलेगी, बाकी ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। स्विफ्ट की बैजिंग है, बीच में मारुति का लोगो है, वेरियंट आपको देखने को नहीं मिलता है अब, VXI ZXI वाला जो पहले वेरिएंट का जो बैजिंग आता था वो अब नहीं आता है। फ्रंट ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, और वहीं पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। PM में आपको टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार पुश करते ही आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। डोर से स्टार्ट करते हैं, डोर में आपको यहाँ पे जो हैंडल ग्रिप दी गई है वो आपको क्रोम फिनिश में दी जाएगी, ऊपर का लॉक बटन जो है रेड एसेंट के साथ आपको मिलेगा लॉक अनलॉक के लिए ब्लैक ग्लोसी में, डुअल टोन जैसा है। ये जो सारी पैडिंग आप देख रहे हैं वो सॉफ्ट टच है, नीचे आपको डार्क क्रोम फिनिश में आपको ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है, उसके ऊपर आपको स्विचेस गियर्स का कंसोल देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको एंटी पिंच के साथ मिलेगी, ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ, ये ऑटो डाउन है ये ऑटो अप है, एंटी पिंच आपको हाथ तुरंत ही आपका हाथ आते ही जैसे भी प्रेशर पड़ेगा विंडो पे अपने आप वो वापस से बंद हो जाएगी। सिल्वर रिंग के अंदर आपको पुश बटन दिया गया है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आपको देखने को मिलता है, जो ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट ऑफ है वो स्विच यहाँ पे दी गई है जिससे आप बंद कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट बॉटम टाइप आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है सिल्वर लाइनिंग के साथ, जो एकदम स्पोर्टी तो आपको फील तो करवाता ही है, हालांकि चलाते वक्त भी आपको फील भी अच्छी देता है, लेदर ग्रिप के साथ आता है, पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल जैसा आपको फील देता है। बीच में सिल्वर लाइनिंग मिलेगी आपको, सुजुकी का लोगो, छोटी छोटी आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंस दी गई है, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह MID के कंट्रोल यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट बटन यहाँ पे दिया गया है, कॉल रिजेक्शन और वॉइस नेविगेशन के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से आप वॉइस असिस्ट यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल की बात करें तो उसके अंदर आपको यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, इंजन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑयल चेक, RPM यहाँ पे दिखाता है, बीच में आपका डोर अलार्म है, डोर अगर खुला है बंद है तो आपको यहाँ पे बीच में दिखाता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक वार्निंग आपको दिखाते हैं, हैंड ब्रेक की वार्निंग का
यहाँ पे इंडिकेशन होता है, डोर अगर खुला है कोई तो यहाँ पे इंडिकेशन होगा। ये आपका स्टेयरिंग व्हील के लिए है, ABS ऑन है या ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। इसके अंदर आपको नीचे आपका फ्यूल गेज है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिखाता है, क्लॉक है और बीच में दूसरी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, एसी के वेंट्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में मिलते हैं। हालांकि इसमें और 2020 में कोई दूसरा चेंज है नहीं है, जो डैशबोर्ड है वगैरह वो सेम ही रखा गया है, पूरा ब्लैक टोन में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो डार्क सिल्वर लाइनिंग है हर एक दरवाजे में और इंटीरियर में हर जगह आपको इसका इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ये नॉब्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी आपको एक डार्क सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको फैन स्पीड, बीच में आपको डिस्प्ले और जो राइट साइड है उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ से आपको जो वेंट है वो आउटसाइड इनसाइड वो सब कर सकते हो। यहाँ से एसी ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑफ का स्विच है। यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हो, अगर पैर में हवा चाहिए, ऊपर हवा चाहिए या फिर विंडशील्ड में आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 12 वोल्ट 120 वॉट्स का। और बाजू में आपको यहाँ पे पेन ड्राइव इनपुट मिलेगा, 3.5mm जैक का यहाँ पे इनपुट मिलेगा। छोटा सा नीचे स्पेस है यहाँ पे, तो आप पर्स या मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। दो छोटे कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको, तो 500ml की बॉटल्स आप यहाँ पे दो रख सकते हो। गियर नॉब है विच इज़ नॉट लेदर रैप्ड, लेकिन इसका जो फिनिश किया गया है वो उस हिसाब से है, जैसे एकदम सॉफ्ट टच मटेरियल जैसा आपको फील देता है। हैंडबैग का कंसोल है, उसके नीचे भी आपके पास थोड़ी सी जगह है और पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स है, डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स है और काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसके अंदर रख सकते हो। जैसे कि किशन जी ने आपको कहा था कि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो बैठने के बाद भी अगर दो बंदे बैठ भी जाते हैं तो बीच में जो जगह है वो और सीट और दरवाजे के पास भी काफ़ी अच्छी इसमें स्पेस दी गई है। टच स्क्रीन आपको इसके अंदर मिल जाता है, 8 इंच का हाइट है, 5x7 और आप देख सकते हो मैंने बैठने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीरूम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसेंट से ज़्यादा ही नीरूम आपको देखने को मिल रहा है। पैर भी मैं अपने पूरे सीट के नीचे डाल के पूरा मतलब लंबा होके बैठ सकता हूँ। आप हाइट देखोगे तो हाइट में भी ऑलमोस्ट 5 टू 6 इंचज़ जैसा मेरे सिर के ऊपर यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो। तो एक हैचबैक के हिसाब से ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। डोर की बात करते हैं तो पीछे डोर में आपको कहीं भी सिल्वर लाइनिंग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, फुल ब्लैक बॉडी डोर है। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, ऊपर आपको वही क्रोम फिनिश में हैंडल मिल जाता है, बाकी पूरा ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है। ऊपर एक ग्रैब करने के लिए हैंडल है जो तीनों तरफ दिया गया है सिवाय ड्राइवर साइड के, और तीन जन यहाँ पे काफ़ी कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। और मैं ये तो नहीं कहता कि तीन जनों के लिए प्रॉपर तीन जन के लिए ये जगह है, लेकिन तीन जन यहाँ पे काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। पीछे पार्सल ट्रे है, उसमें भी काफ़ी सारी जगह दी गई है। हेडरेस्ट आपको दो मिलते हैं, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है। कभी कभार ये ठीक भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर बीच में हेडरेस्ट वगैरह होता है तो पीछे देखने में प्रॉब्लम होती है, बाकी ठीक है। स्पेस और सारा कुछ हिसाब से गाड़ी काफ़ी शानदार। तो हमारे साथ है मिस्टर किशन, आपका स्वागत है वीडियो में। थैंक यू। तो आइए किशन जी से जानते हैं कि उन्होंने इस बजट में ये प्राइस सेगमेंट में जो कार अभी इन्होंने खरीदी है तो यही कार क्यों खरीदी है। इनके पास लगभग बजट था 8-8.5 लाख का, तो ये जो प्राइस सेगमेंट है इसमें काफ़ी सारी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है, जैसे ग्रैंड नियोज वगैरह है, और इस सेगमेंट में यही गाड़ी उन्होंने क्यों चूज़ करी है और ये जो पर्टिकुलर 2021 मॉडल है इसके अंदर क्या नया है, हम एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जानते हैं। इनके पास इस गाड़ी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इसे इस तरीके से आप लीजिए कि अगर कोई कस्टमर ये गाड़ी ख़रीदता है तो वो क्यों ख़रीद रहा है, एक कस्टमर फीडबैक समझ लीजिए और उसके साथ साथ आपको इसका एक छोटा मोटा रिव्यू भी पता चल जाएगा। हाँ तो किशन जी बताइए। सी पहले मैंने एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन हैचबैक कार्स ओनली, सो पहले मैंने ग्रैंड नियोज देखी, मैंने उसके बाद टोयोटा की गलांसा बलेनो, मैंने सारी गाड़ियों का रिव्यू किया कि कौन सी गाड़ी मेरे बजट में माइलेज में और परफॉर्मेंस वाइज सेट हो रही है। सो तो
दो ऑप्शन मैंने फाइनल किए थे लास्ट में, नियोस एंड स्विफ्ट BXI एंड नियोस स्पोर्ट्स मॉडल. स्पोर्ट्स नियोस नहीं लेने का रीज़न ये था कि एक इसमें और स्विफ्ट में ये डिफरेंस था कि एक तो जो इसका डायमेंशियल है साइज जो हम कहते विड्थ वाइज वो i10 से बेटर है. सेकेंड थिंग माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है उसकी 19 और यू नो दैट कि 19 वो मतलब जो भी कंपनी क्लेम करती है वो उससे तो थोड़ा कम ही मिलता है. इसका अभी नया इंजन लॉन्च हुआ है ड्यूल VVT जिसमें सेमी हाइब्रिड आप कह सकते हो कि सिग्नल आप जब क्लच से पैर हटाते हो तो गाड़ी बंद हो जाती है, आइडियल मोड हो जाता है वो, तो उस दौरान फ्यूल का इफिशेंसी ज़्यादा हो जाता है. लगभग 23.5 अराउंड कंपनी क्लेम कर रही है. अभी मैंने 1000 किलोमीटर इसको रन किया है बट अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचेगा, एटलीस्ट 20 तक पहुँचेगा. हाँ थोड़ा सा मतलब राउस होने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा एवरेज देखने को मिलेगा. और ये भी है जैसे ग्रैंड नियोस वगैरह है दूसरी गाड़ियों के कंपेयर मारुति की गाड़ियों में आपको रूमिनेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको जगह थोड़ी ज़्यादा मिलती है. नो डाउट नियोस में फीचर्स वाइज 4-5 फीचर्स इससे ज़्यादा थे बट फिर भी मैंने स्विफ्ट सेलेक्ट किया साइज एंड माइलेज को लेके. और दूसरा कि भाई इंडियन ब्रांड है, मारुति है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. जहाँ भी गाड़ी रुकेगी वहाँ तकरीबन एक सर्विस सेंटर तो आपको मिल ही जाएगा. करेक्ट. सो ये एक मेन रीज़न था. ओके. एंड दूसरा था कि एक्चुअली बजट तो मेरा VXI का था बट मेरे को जैसे एडिशनल फीचर्स ZXI में मिल रहे थे, एक्चुअली ZXI प्लस में भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बट वो बात हो गई. हाँ, मारुति में एक यही चीज़ है कि थोड़ा सा पैसा और डालो और नेक्स्ट वेरिएंट, थोड़ा सा पैसा और डालो और नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है. सही बात है. तो इसमें मुझे टच डिस्प्ले स्क्रीन, एलो व्हील, ये सारी चीज़ें मुझे एडिशनल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC, ऐसी 4-5 फीचर्स जो है एडिशनल जो ज़रूरी होते हैं. मतलब मैं प्रीफर करता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि भाई आप लॉन्ग रूट पे भी जाओ तो गाड़ी आपको चलाने में मज़ा आए. सही बात. करेक्ट. सो एंड मेन थिंग द व्हील साइज इज 15 इंच विच इज़ नॉट इन अ VXI मॉडल, इट्स ओनली 14 इंच टायर. 14 इंच टायर आता है. सही बात. VXI और अरे ये ZXI और ZXI ऑप्शनल में आपको 15 इंच के व्हील शुरू हो जाते हैं. और ZXI ऑप्शनल में आपको वो डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं ताकि इसके अंदर एल्युमिनियम फिनिश वाले मिलते हैं. लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं व्हील. यस. 15 इंच के हिसाब से जो व्हील्स की डिज़ाइन वगैरह है वो थोड़ा अच्छा दिखता है. 14 इंच थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लगता है. सही बात है. तो ये का रीज़न था कि VXI ना लेके ZXI लेने का. प्लस नया मॉडल है, 21 में लॉन्च हुआ है फैब में, तो अच्छा ही होगा मारुति का. हाँ जैसे, और आप पहले भी बता रहे थे कि थोड़ा स्पोर्टीनेस आपको चाहिए था, उस हिसाब से फिर आपने ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील वगैरह है. करेक्ट. डी कट स्टेयरिंग है इसका. ओके. सो इट्स लुक गुड. और जो थोड़ा अंदर से जो स्पोर्टी एक कार लेने की इच्छा थी वो भी आपको इसके अंदर फुलफिल हो रहा है. करेक्ट. गाड़ी मुझे एक्चुअली ऑन रोड प्राइस पड़ी है इसका अराउंड 7,98,000, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज. उसमें मुझे एक्सेसरीज और काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट आप कह सकते हो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा मिला है. तो अराउंड मैजिक लाख वॉइस आ गए. यस. तो मतलब 8 लाख इसका ऑन रोड प्राइस है. मुझे 8 लाख में पड़ी ये गाड़ी और डिस्काउंट वगैरह भी है इसमें अच्छा खासा. और 15,000 की जैसे आपने मेरे को बताया था तो आपको 15,000 की एक्सेसरीज वगैरह आपको इसमें ऑफर की तरह दी गई. जी. और आप अपने ये परचेज से काफ़ी ज़्यादा खुश क्योंकि कुछ इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये कार परचेज किया है. पहले इन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने नियोस भी देखा है और आपने और कौन सा गाड़ी देखा था इसके साथ? टोयोटा का ग्लैंजा बलेनो तो हालांकि सेम ही है. SUV सेगमेंट में इनको जाना नहीं था क्योंकि SUV सेगमेंट उनको थोड़ा सा बड़ा गाड़ी लग रहा था. ट्रैफिक वगैरह इनके अंदर इनको एक कॉम्पैक्ट कार चाहिए थी ताकि डेली रूटीन में सिटी के अंदर ये काफ़ी आराम से क्रूज कर सके. ठीक है. किशन जी से एक और बात करनी थी, उनको कुछ बताना था. उनका एक ग्रुप चलता है साइक्लिस्ट के हिसाब से, अल्टीमेट पेडलर्स करके उनका एक ग्रुप है जो अहमदाबाद बेस्ड है और हर सैटरडे संडे उनका साइकिलिंग वगैरह का प्रोग्राम रहता है. तो आप एक बार उनसे समझते हैं क्या है क्या नहीं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशन. हमारा एक ग्रुप है अल्टीमेट पैडलर. व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, वी आर डूइंग द साइकिलिंग ऑन एवरी संडे ऑन डिफरेंट प्लेसेस इन अहमदाबाद. सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन आर ग्रुप एंड फॉलो अस एंड कीप पैडलिंग.
तो सुन लिया आपने, उसके साथ साथ हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर से दबाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा।